हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। आप इसे सुबह की चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, या फिर आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप इसे टेस्टी चटपटा नाश्ता को आसानी से बना सकते हैं। घर पर जो चीज़ें आसानी से पाई जाती है उसी से हमने इसे बनाया है, और सबसे खास बात इसे बनाने के लिए हमें कम तेल का इस्तेमाल किया है, तो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए दोस्तों, हम गेहूं के आटे से नाश्ता कैसे बनाते यह सीखते हैं। गेहूं के आटे से नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अभी हम इसे एक थाली में डालते हैं। इसके बाद नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच तेल, इससे आटा अच्छे से मुलायम हो जाएगा। पहले हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर इसका आटा हम गूंद लेते हैं, जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा गूंदते उसी तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने एकदम मुलायम आटा गूंद लिया है। अभी हम इसे एक बर्तन में डालते और इसे हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम स्टफिंग बना लेते। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। अभी हम इसमें उबले हुए आलू लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं उबले हुए, और इसे अच्छे से मैश किया है। इसके बाद उबले हुए मटर, इसे भी मैंने अच्छे से मैश किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, जीरा पाउडर आधी चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, अमचूर पाउडर आधी चम्मच, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार। अगर आप इसमें चाट मसाला खाना पसंद करते हो तो डाल सकते हैं। और हरा धनिया, हरा धनिया मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, टेस्ट अच्छा आता है। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। स्टफिंग हमारा बहुत अच्छे से बन चुका है। अभी हम इसे साइड में रखते हैं। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। हम इसे फिर एक बार अच्छे से मसल लेते हैं ताकि यह अच्छे से चिकना हो जाएगा। थोड़ा सा हाथों को तेल लगा लेते आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अभी हम इसमें से एक गोला तोड़ लेते। अभी हम इसे सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेते। हम इसे बेलेंगे, जिस तरह से हम चपाती को बेलते उसी तरह से हम इसे बेलेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है, चपाती की तरह एकदम पतला। अभी हम स्टफिंग भरेंगे इसके अंदर। स्टफिंग को हम सब साइड से अच्छे से फैला देते हैं। स्टफिंग को मैंने सब साइड से अच्छे से फैला दिया है। अभी हम इसका रोल बनाएंगे। इस तरह से हम इसका रोल बनाते जाएंगे, एकदम टाइट टाइट। फिर एक बार हाथों से अच्छे से इसे टाइट करते ताकि स्टफिंग बाहर ना जाए। अच्छे से मैंने टाइट रोल बना लिया है।
साइड का किनारा हम हटा लेते हैं क्योंकि इसमें स्टफिंग हमारा भरा नहीं है। अभी हम इसे 1 इंच के आकार में कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसे इस तरह से हाथ के बीच में लेकर प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बाकी के भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बना लिए। आप इसे स्टफ पूरी भी बोल सकते हैं। ये दिखने को भाकरवड़ी की तरह ही दिखते हैं। अभी हम इसे तेल में शोलो फ्राई करें। तेल को मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अभी हम इसमें ये पूरी डालेंगे, हमारी तेल में जितने बैठे हैं उतने डालेंगे पैन के अंदर। गैस को हम धीमी आंच पर ही रखेंगे। इस तरह से पैन को थोड़ा सा घुमाकर हम इसे चलाएंगे। गैस को हम धीमी आंच पर ही रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। एक तरफ से इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अभी हम इसे पलटी करेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बहुत अच्छे से क्रिस्पी बने ये। मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। अब ये हो चुके हम इसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम बाकी को भी शेलो फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही कम चीज़ों से और कम तेल में हमने इसे बनाया है, तो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी भी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।